हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो हम लोग जो है देहरादून जू लेकर गए थे आज बच्चों को, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा रश हो रखा है। गाड़ी का तो नंबर लग ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से जो है बस हमें पार्किंग के लिए, मतलब हम लोग अंदर गए थे, हमें लग नहीं रहा था कि इतना ज़्यादा रश होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश था। सो अब हम लोग जो है अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं पार्किंग के लिए। सो यहाँ पर जो है बस का 100, 150 इस तरीके से है, कार का 30, 40 और स्कूटी वगैरह का 10, 15 इस तरीके से वहाँ पे रेट लिखा हुआ है। अंदर जाते ही ना राइट हैंड साइड पर आ जाती है आपकी कैंटीन। सो अगर आपको भूख वूख लग रही है, मतलब कुछ, मतलब जाने के बाद स्नैक्स वगैरह खाना है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। सो बस मुझे यहाँ का ना ड्रॉबैक सिर्फ एक ही लगा कि ये लोग ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह अपनी बना के देते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ना, मतलब इन्हें बॉटल वगैरह, मतलब वही रखना चाहिए कोल्ड ड्रिंक के लिए कुछ, क्योंकि यहाँ की ना कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल बकवास हो रही थी। मतलब मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, जो बस सच है, मैंने जो है ब्लॉग में वही बात बोली है। सो हम लोगों ने यहाँ से ना बच्चों को जा कुछ खिलाया विलाया नहीं था, बस हमने यहाँ पे जो है यही बच्चों ने थोड़ा बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी थी अपना। सो अब हम यहाँ पे टिकट काउंटर पे आ गए हैं। यहाँ पर आप रेट लिस्ट वगैरह देख सकते हैं, और मतलब काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बच्चों को कैक्टस पार्क है यहाँ पे, और एक स्नेक वो है, म्यूज़ियम है, मतलब काफ़ी दो तीन चीज़ें हैं। अंदर जाते के साथ ही ना बच्चों के लिए फ़न पार्क वगैरह, मतलब ये फ़न पार्क था यहाँ पे ना बच्चों के लिए, मतलब काफ़ी अच्छी राइड्स वगैरह थी, तो बच्चों ने अच्छे से झूला वूला झूला अपना। तो हमारे तो ना बच्चे जाते के साथ ही ना इसके अंदर घुस गए थे शुभ संकेत, और मुझे पता है कि बड़ी मुश्किल से ना हम लोगों ने इनको यहाँ से बाहर निकाला था। बच्चे तो बच्चे, और यहाँ ना स्ट्रिक्टली मना था कि ना झूलों में ना कोई बड़ा नहीं झूलेगा, लेकिन मैं देख रही थी यहाँ पे ना काफ़ी ना जो एडल्ट थे वो भी बैठ जा रहे थे झूले में, लेकिन नहीं बैठना चाहिए क्योंकि भाई झूले जो है बच्चों के लिए बना रखे थे। और ये देखिए आप शुभ संकेत की मस्ती, दोनों को कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों के दोनों जो है। और ना जो है क्या कहते हैं शुभ, और शुभ तो कह रहा था कि ना मैं ना बस यहाँ मैं यहीं रहूँगा, ऐसा करो आप अंदर घूम के आ जाओ, मुझे यहीं रहने दो। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, बच्चे को अगर हम लेके गए हैं कहीं तो हमें अपने साथ ही रखना चाहिए, हम उन्हें कहीं छोड़ के नहीं जा सकते। सो इससे बस हम लोग यहाँ से निकल गए थे आगे की तरफ को। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे बर्ड्स वगैरह ये सब देखने के लिए, मतलब वो वाला आएगा बर्ड्स का, तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देखी थी। सो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आगे। सो यहाँ पे ना हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बर्ड्स देखी थी, और बहुत सारे बर्ड्स थी यहाँ पे, मतलब कुछ तो ऐसे थे ना जिनके नाम हमें पता भी नहीं थे, मतलब मैं भी ना फर्स्ट टाइम देख रही थी ये वाली बर्ड्स जो हैं। और कुछ जो थी काफ़ी, मतलब जो हम लोगों ने देखी हुई, जैसे पैरट वगैरह ये भी थे यहाँ पे, पिकॉक वगैरह, तो अभी पिकॉक वाले में हम आपको आगे लेके जाएंगे। सो यहाँ पे बहुत, मतलब कुछ मतलब देखने के लिए मिला, देखिए डिफरेंट टाइप के पैरट्स हैं, और मतलब ना ये जो हम इन्हें पैरट्स बोलते हैं, तो ये भी ना मतलब इसमें भी ना अलग अलग वैरायटी थी देखने के लिए मिली थी जो है। सो आप देख सकते हैं कैसे बैठे हुए हैं सारे के सारे। और शुभ संकेत ने जो है कह रहे थे कि ना मम्मी ऐसा करो ना इनको अंदर से पकड़ के ना बाहर ले आओ। मैंने कहा हाँ बेटा, इनको अंदर से पकड़ के हम बाहर लेके आएंगे, उसके बाद फिर हम जो है ना परमानेंट जेल में बैठे हुए होंगे। मैंने कहा तो भाई ये मत करवा हमारे से। और यहाँ देख सकते हैं आप पिकॉक कितने अच्छा लग रहा है ना देखने में, और यहाँ देखो दोनों कैसे बैठे हुए हैं कितना आराम से। सो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों हैं। और ना मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो पीकॉक और जो मतलब पीकॉक एंड पी हैन होता है ना, इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में, मेल में एंड फीमेल में। जो मेल होता है ना इसके, देखो इसके टेल में बहुत सारे जो है ना, आपको देखो यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पंख दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें हम मोर पंख भी बोलते हैं। और जो आपकी पी हैन होती है ना, जो मोरनी होती है, उसके ये नहीं होते हैं, तो ये इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो अब हम ना यहाँ पर चले गए थे रेड एंड ग्रीन मकाओ, उनके उनको देख रहे थे। सो अब देख सकते हैं आप वहाँ पे सामने बैठे हुए दोनों के दोनों, ये देखो कैसे खुश आ रहा है। देन उसके बाद हम लोग गए थे यहाँ पर, हमने ऑस्ट्रिच देखा, और मैंने शिव को बताया कि ऑस्ट्रिच भी बेटा बर्ड होती है। तो शिव कह रहा है मम्मी ये उड़ती कैसे है? मैंने कहा बेटा ये उड़ती नहीं है, बस थोड़ा सा मतलब करती है, फिर उसके बाद ये मतलब नॉर्मल चलती है ये ज़्यादातर, और बहुत तेज़ भागता है ऑस्ट्रिच। और आपने सुना ही होगा, मैंने उसको मतलब बताया था शिव को, कि हम बोलते हैं ना कि सबसे जो है जो बिग एग्स कौन देती है, तो वो ऑस्ट्रिच होती है। ऑस्ट्रिच के जो अंडे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। सो शिव कह रहा था अच्छा मम्मी ठीक है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने। और शिव कह रहा है मम्मी देखने में तो लग ही नहीं रहा कि ये कोई बर्ड है। मैंने कहा हाँ बेटा जब ये भागती है ना तो फिर पता लग जाता है। उसके बाद जब हम आगे गए ना, तो पता है वहाँ पर क्या हुआ, ये इनको ना अभी मैं आपको दिखाती हूँ,
तो इसके पापा मुझे कहते हैं, अरे हेमा जल्दी आ जल्दी आ, देख ऑस्ट्रिच के बच्चे, ऑस्ट्रिच के बच्चे। मैं भी बड़ा भाग भाग कर गई, मैंने कहा यार देखती हूँ जरा ऑस्ट्रिच के बच्चे कहाँ पर हैं। तो देखा तो वहाँ पर ये बैठे हुए थे। मैंने इनको बोला, मैंने कहा भाई ये ऑस्ट्रिच के बच्चे नहीं है, ये आई थिंक ये एमू है। तो फिर उसके बाद देखा तो हमने वहाँ पर जब हमने पढ़ा तो वो ही निकले। तो मतलब ये उन्हीं की ही, मतलब बोला जाता है कि उन्हीं की ही प्रजाति के होते हैं। तो ये इमू हैं और ये उनको कह रहे हैं ना ऑस्ट्रिच के बच्चे देखे, हमने तो ऑस्ट्रिच के बच्चे देखे। देन उसके बाद हम लोग यहाँ चले गए थे स्नेक लैंड में। यहाँ पर जो है बहुत मतलब स्नेक्स ही स्नेक्स दिखेंगे, हमने बहुत सारे स्नेक्स देखे यहाँ पे। और यहाँ ना शुभ संकेत जो है ना बड़ा खुश हो रहे थे इनको देखने के लिए। और यहाँ पर देखे तो यहाँ ना क्या हो रहा था, सब आगे की तरफ को आ जा रहे थे ना, फिर नंबर ही नहीं लग रहा था देखने का। बड़ी मुश्किल से जो है इधर उधर जाके मैंने देखा, और ये देखिए कितना मोटा अजगर है ना। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। और ये देखिए मैंने बिल्कुल जूम कर दिया था अपना कैमरा इसको देखने के लिए। सो आप जो है इस व्लॉग को इन्जॉय कीजिए आगे। अब हम यहाँ पर पहुँच गए थे एक्वेटिक वर्ल्ड में। यहाँ पर आपको ना डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज की जो है फिशेस वगैरह देखने के लिए मिलेंगी। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मतलब लिखा हुआ था कि ये जो वाटर है इसमें करंट है, मतलब करंट लग सकता है आपको यहाँ पे, तो इसको टच ना करें। लेकिन फिर भी ना लोग ना बच्चे मैं देख रही थी यहाँ पे मतलब उसको टच कर रहे थे। उसके बाद देखें यहाँ पे अब आपको फिशेस वगैरह दिखने स्टार्ट हो जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट। काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी, तो इतना अच्छे से ना हम लोग बना नहीं पाए जितना हमसे हो पाया, हमने उतना यहाँ पर जो है शूट किया। और ये देखिए ना, पहले तो एक बार ना ऐसा लग रहा था जैसे एक जगह सारी एकदम जो है वो हो गई हैं, मतलब रुक गई हैं, लेकिन फिर एकदम से चलना स्टार्ट हो गई थी। और बहुत इतनी अच्छी लग रही थी ना देखने में। तो शिव मुझे कह रहा था, मम्मी यार यहाँ से ना जो है जो दो चार जो है फिशेस लेके चलते हैं, हम भी अपना एक्वेरियम बनाएंगे। हाँ मैंने कहा बेटा बस यहीं से ही लेके चलते हैं। और जो है मतलब तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी है कि आज जो है अपने मम्मी पापा को सीधा पहुँचवा के ही रहना है तुमने जेल में। और यहाँ देखिए यहाँ पे ये री गोल्ड फिश कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में, बहुत प्यारी लग रही है। और ये वाली तो मुझे ना बड़ी अच्छी लगी थी देखने में, मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा वाह यार ये वाली फिश कितनी प्यारी है ना वाइट कलर की। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे वाइट और ब्लैक दोनों मिक्स है यहाँ पे, तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ ना, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो मतलब हमने यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया था, हमने फोटो वगैरह भी बहुत ली थी यहाँ पे। और ये देखो ये ना बिल्कुल छोटी सी थी, बिल्कुल छोटी, कैमरे में बड़ी लग रही है ये तो, वरना नज़र भी नहीं आ रही थी, इतनी छोटी छोटी सी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद ना आप ये वाली देख सकते हैं ना, ये ना मेरे ख्याल से ये ना वो है शायद पिराना जिन्हें हम बोलते हैं। चलिए अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। अब आ गए थे हम लोग कैक्टस वर्ल्ड में। वाओ यहाँ ना आपको बहुत सारे मतलब कैक्टस वगैरह ये सब देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कैक्टस गार्डन है, सॉरी मैंने वर्ल्ड बोल दिया था इसको। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पे भी फिर हमने अपनी टिकट दिखाई थी, क्योंकि हमने टिकट काउंटर से जो है सारी जगह की हमने टिकट परचेस करी थी। सो जो है क्या कहते हैं अब हम लोग आगे चले गए थे। तो शुभ तो कह रहा, शुभ संकेत कह रहे हैं मम्मी वाओ यार यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना, कितने सारे जो है पेड़ पौधे, कितनी ग्रीनरी हो रखी है। मैंने कहा, तो शिव कहता मम्मी चलो यार यहाँ से गमला ले लें, यहाँ से ना गमले ले लेते हैं, एक गमला आप लोग पकड़ लेना, एक मैं पकड़ लूँगा, और जो है क्या कहते हैं एक शुभ एक संकेत। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा उसके बाद फिर चारों चलेंगे, फिर हमें जो है पनिशमेंट भी मिलेगी चारों को यहाँ से गमले ले जाने के लिए। तो मतलब हमने ना इतना इन्जॉय किया,
बच्चे हैं ना, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो सोचते हैं कि बस चीज़ें पड़ी हुई है ना, सब तो ऐसी रखी हुई है, इसको उठाओ और लेके जाओ। कह रहे मम्मी यहाँ से लोग लेके क्यों नहीं जा रहे हैं, लोग खरीद भी तो सकते होंगे ना, आप हो जो यहाँ पे अंकल होंगे उनसे बोलो कि हमें जो है एक गमला दे दो। मैंने कहा हाँ बेटा ऐसे नहीं देते ये लोग, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े जो है ना कैक्टस रखे हुए थे। तो शिव कह रहा था कि मम्मी जो है क्या कहते हैं दादू के लिए लेके चलते हैं ना, दादू को जो है ना गार्डनिंग कितनी अच्छी लगती है ना, तो उनके लिए लेके चलते हैं यहाँ से कुछ। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने कहा यहाँ अलाउ नहीं होता, देख नहीं रहे आपकी जो है, आप अंदर भी हाथ भी नहीं लगा सकते उनको, और हाथ लगाओगे तो वो चुभ जाएंगे, आपको दर्द हो सकता है जो है। फिर उसके बाद हम लोग निकले आगे की तरफ, और सीरियसली ये कैक्टस जो गार्डन है ना बहुत अच्छा, मतलब अच्छा बना हुआ था, काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे, और ऊपर से जो इसका ये व्यू था ना ये तो बहुत अच्छा था। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हम सारी जगह मतलब अच्छे से जो है बच्चे को घुमा दिया था हमने। बस अब हम लोग जो है यहाँ से अपना निकल गए अपने रिजॉर्ट। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर ना किसी भी तरीके के वाइल्ड एनिमल नहीं रखे हुए, लाइक लैपर्ड हो गया, लायन हो गया, तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, यहाँ पे एलिफेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। सो अगर आपको जो है ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और अभी हम लोग जाते हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ। सो अभी के लिए बाय बाय।